नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। वो क्या है, स्कूलें खुल गई थी तो स्कूल में चले गए थे, फिर वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऑनलाइन आएंगे एकदम धमाकेदार वीडियो आएगा आपके पास। और आज बहुत दिनों बाद मन किया कि क्यों ना अपनी गौशाला का वीडियो बना के दर्शकों को दिखाया जाए। तो आपके पास आएगा आज वीडियो बहुत ही डिटेल्स में, जो कि मैं भी बनाने जा रहा हूँ। ये अपनी गौशाला की जो गौ माताएँ हैं, अभी सुबह का टाइम है, करीबन 7 बज चुकी है। अभी सभी गौ माताएँ बैठी है अपने स्थान पर, इनकी जो बछड़ियाँ हैं उनके साथ। तो चलिए आपको बताता हूँ सभी बछड़ियों के बारे में। और वो अपने शेर राजा बैठे हैं वहाँ पर, मंगल, अभी उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है भाइयों, तो चलिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इन्हें तो आप जानते होंगे, इनका नाम है मंगल, जो कि भावनगर गुजरात ब्लड लाइन से लाया गया है। हमारा सबसे और पहला प्यारा गिर नंदी, बहुत ही शांत स्वभाव का, आप देख सकते हो। अभी तक का जो इसका मुकुट, मतलब इसकी बोन का जो स्ट्रक्चर है, वो किसी भी भूल का ऐसा नहीं आया है। इसकी आंख देख सकते हो आप, बिल्कुल छोटी है। और इसकी गलकंबल और इसके जो ईयर हैं, उसके टिप्स एकदम उड़े हुए। और बुल की हाइट फुल लेंथ फुल देख सकते हो। और अब इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जानता है नगीने के बारे में वही उसे परख सकता है। लेकिन आपको एक खुशखबरी और दे दूं दोस्तों, जो अपना गिर बुल मंगल है, उसका रिजल्ट अभी थोड़े दिनों में आने वाला है अपने ही फार्म पर। उस गाय से भी अभी आप इंट्रोड्यूस होंगे। वो गाय जो पोरबंदर गुजरात से लाई गई थी, उसी गाय का जो, मतलब वो प्रेग्नेंट थी अभी, इन 3 तारीख को, ये जो आने वाली 3 तारीख है, उसको 9 महीने की पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब वो कितने दिनों में बच्चे को जन्म दे देगी। और उम्मीद करते हैं जो रिज़ल्ट आएगा वो एक नंबर आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर रिज़ल्ट का आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखे, वैसे वीडियो मिलेगा आपको, चिंता ना कीजिए। आगे चलते हैं अपन। ये जो अपनी बछड़ी है, गंगा नाम है इसका, अपने ही फार्म की गिर बछड़ी है, बहुत ही शांत स्वभाव की, देख सकते हो दोस्तों आप, गिर बछड़ी। अभी केवल 1.5 साल की गिर बछड़ी है ये, बहुत ही चंचल है। अभी इनका क्या है, खुलने का टाइम हो गया है सुबह, तो ये थोड़ी नाराज़ सी है। अभी ये खुल जाएगी और चलने जाएगी ये बाहर। और ये अपने फार्म की सबसे 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 एक तरफ से बोले तो नगीना है, इनका नाम नंदनी है, आपको पहले ही बता दिया होगा। देख सकते हो दोस्तों, आपको नंदनी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। नंदनी अभी लगभग 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है मेरे अंदाज से यहाँ। तो इसके जो रिजल्ट आएगा ना मंगल का, वो तो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्या दोस्तों, सही बोल रहा हूँ, देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार। और ये जो दो बछड़ियाँ हैं, ये एक तो नंदनी की सिस्टर है, ये वाली बिल्कुल नंदनी की जैसी है, नंदनी की सिस्टर एकदम उस पर गई है। अभी ये 6-7 मंथ की हो गई होगी लगभग मेरे अंदाज से। हाँ, देख सकते हो दोस्तों आप, बहुत ही शांत स्वभाव की। तो चलिए, आपको नंदनी और इनका नाम राधिका है, माफ़ कीजिए नाम बताना भूल गया, राधिका है। और नंदिनी और राधिका की जो मदर है, उनसे मिलते हैं, यानी पूजा से। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये पूजा है,
अपने फार्म की फर्स्ट जो गिरकाव है वो है ये। इनका स्वभाव भी बहुत शांत स्वभाव है, आप तो जानते हो दोस्तों, जो गिर गाय होती है उनका स्वभाव एक बहुत ही शांतर का स्वभाव होता है। देख सकते हो आप, अपने फार्म की जो फर्स्ट गिरका होती है वो है ये। और जो इसके पीछे ये बेटी है, ये गिरकाऊ, प्यार से तो हम इसे गोलू बुलाते हैं। अपने फार्म की जो सेकंड है, ये सेकंड गिरकाऊ के नाम, सेकंड गिरकाऊ के नंबर पर आती है। और इसकी बछड़ी से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये देखिए, ये बछड़ी है जो कि मेरी सबसे फेवरेट गिर बछड़ी है। इसका जो आप देख सकते हो, इसकी सुंदरता बिल्कुल, और इसकी गलकंबल देखिए, इसकी गलकंबल देखिए। अभी इसकी गलकंबल बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप, अभी इसकी हाइट देख सकते हो। और जो ईयर हैं वो भी खूब लेंथ में है, देख सकते हो दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम। वो जो पोरबंदर वाली, गुजरात वाली गाय थी जिसके बारे में आपको बता रहा था, जो कि 3 तारीख को 9 मंथ की प्रेग्नेंट होगी, वो ये है, देख सकते हो दोस्तों। 3 तारीख को 9 मंथ की प्रेग्नेंट हो जाएगी। और जो सबसे पहले रिजल्ट आएगा वो इसी की आएगा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। और रिजल्ट देखना, मंगल का इतना टॉप आएगा ना कि एक बार तो दुनिया देखेगी उसी को, देख सकते हो दोस्तों। बहुत ही शांत स्वभाव की पोरबंदर गुजरात से लाई गई गिर गई है ये। आप इसका जो स्ट्रक्चर है बोन का वो देख सकते हो, एकदम गोल मटकी के आकार में है, जिसे आप बोलते हैं कि उल्टे सिर वाली जो गाय होती है वैसी है। और ये गाय भी पोरबंदर गुजरात से ही लाई गई है भाइयों। क्या है ये, जब आ रही थी क्या राजस्थान अपने टोंक मालपुरा मंगलगिर गौशाला में आ रही थी, तो जो गाड़ी थी उसके अंदर पता नहीं कैसे भगवान ने क्या किया, अब वो नहीं जो हो सकती है, इसका जो बच्चा है वो गाड़ी के अंदर ही मर गया था। लेकिन आप देख सकते हो, ये अभी करीबन 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई होगी, मंगल से ही है ये प्रेग्नेंट। और अब इसका रिजल्ट आएगा, वो देखते हैं कैसा आए, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, क्योंकि मंगल है गिरबुल, तो फिर किस चीज़ की है कमी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको गिरबुल मंगल का रिजल्ट चाहिए, और जो कौन सी अपनी गिरकाव है वो सबसे बढ़िया लगी। और अगर आपको इनकी और डिटेल्स के अंदर वीडियो चाहिए तो अपने चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद भाइयों। और जो भाई अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।